हमारे साथ अब वो खिलाड़ी जुड़ चुके हैं जो कि सीआरपीएफ में है, सीआरपीएफ के जो भारत सरकार की सेवाएं देते हुए अपनी जो है अपनी डिसेबल हुए हैं अपनी जो है शरीर से, और इन खेलों में वो हिस्सा ले रहे हैं, तो इन्हीं से जानते हैं कि किस तरह का इनका ये आज का कार्यक्रम रहा है। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, बताएं सर जो अभी आप बता रहे थे कि किस तरह से डिसेबल हुए ये अपनी सेवाएं देते हुए। ये सर हमारी पैरा टीम है सीआरपीएफ की, इन लोगों को या तो नक्सलाइट के दौरान या जेएनके में छत्तीसगढ़ में और माओवादियों के दौरान जो ऑपरेशन ड्यूटी होती है हमारे, तो कुछ लोग हमारे प्लेयर जो हैं उनमें बॉम्ब ब्लास्ट में और जो आमने सामने की गोलीबारी होती है उसमें घायल हुए हैं, कुछ लोगों का जो है एक्सीडेंटली डिसेबिलिटी हुई। तो बाद में हमारे डिपार्टमेंट ने ये हमें मौका दिया है कि हम पैरा स्पोर्ट्स में भी, पहले हम जनरल ड्यूटी कर रहे थे, देश की सेवा में थे, अब जब हम दिव्यांग हैं तो अब हम देश के तिरंगे के लिए खेलों के माध्यम से जो है बल का नाम रोशन कर रहे हैं पैरालंपिक्स बॉक्सिंग में। क्या नाम है सर? मेरा नाम हेड कांस्टेबल विकास कुमार है और मेरा इवेंट 100, 200 और 400 मीटर है और मेरी कैटेगरी T46 है पैरालंपिक्स में। तो आज कौन सा मेडल हासिल हुआ है कुछ? मेडल हमारे यहाँ पर 6 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, तो इन 6 लोगों में से 5 लोगों ने हमारे गोल्ड और सिल्वर जो है बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के साथ, और जो गोवा हमारे अभी अपकमिंग पैरा नेशनल है 9 जनवरी से, उसमें क्वालिफाई भी किया है और गोल्ड और सिल्वर जीता है। थैंक यू सर। सर जी सर, मेरा नाम वीरभद्र सिंह कांस्टेबल, मैं सीआरपीएफ से, मेरा ट्रेन एक्सीडेंट से पैर कटा, पैर कटने के बाद मैं सीआरपी में हमको गेम के में आगे आने के लिए बोला, मैं गेम के लिए तैयारी किया, फिर मैं 5 नेशनल मेडल अभी तक ले चुका हूँ, खेलो इंडिया खेलों में गोल्ड मेडल था और सिल्वर मेडल था। थैंक यू सर। जी सर, मैं कांस्टेबल सुधीर राणा। जी सर, मैं आंख से दिव्यांग हूँ, मेरी कैटेगरी F12 बनती है और मैं 100 मीटर जेवलिन इवेंट में दोनों में पार्टिसिपेट किया और दोनों में ही सिल्वर मेडल प्राप्त किया। बहुत बधाई हमारे ओर से, हमारे चैनल की ओर से। बहुत बहुत थैंक यू सर। जी सर। सर मैं हेड कांस्टेबल एलएल सैनी। मुझे सर जेएनके में 2013 में गन शूट इंजरी है एनकाउंटर में, और मेरी कैटेगरी अभी फिलहाल T13 है। मैंने आज दिल्ली पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में 1500 मीटर में रेस में गोल्ड और 100 मीटर में सिल्वर मेडल। आपके चैनल के माध्यम से मैं हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को और मोदी साहब को और हमारे गृह मंत्री जी को एक संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि जो हमारी पैरामिलिट्री में, चाहे BSF हो, आर्मी, ITBP हो, SSB हो, जो ऑन ड्यूटी और ड्यूटी में रहते हुए दिव्यांग हो जाते हैं और पैरालंपिक पार्टिसिपेट करते हैं, तो वर्ल्ड वॉरियर गेम जो दुनिया में होते हैं वर्ल्ड लेवल पे, उसमें आर्मी पर्सन पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन इंडिया की कोई टीम उसमें आज तक नहीं जा पाई है। एक तो हमारे लिए उसका रास्ता खोला जाए, दूसरा ऑल इंडिया पुलिस गेम इंडिया में कंडक्ट करवाए जाते हैं तो उसमें एबल बॉडी पार्टिसिपेट करती है, तो पैरा को लेके भी एक पुलिस गेम या ऑल इंडिया मिलिट्री गेम इस तरह के पार्टिसिपेट किए जाए, जिसमें एक जो हमारे उम्र दराज दिव्यांग हैं जिनकी उम्र 40 साल 35 साल 50 साल हो गई है, वो उसमें पार्टिसिपेट करके अपना हौसला जज्बा रखते हैं, उनके लिए एक सेपरेट पैरा पुलिस गेम या पैरा वॉरियर गेम करके कुछ इस तरह का किया जाए। दूसरा हमारे लिए जो दिव्यांगों के लिए पैरामिलिट्री में पॉलिसी है, प्रमोशन पॉलिसी,
ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि दिव्यांग में हम पैरालंपिक्स में पैरा नेशनल गेम में कोई मेडल जीतते हैं तो उनको आउट ऑफ टर्न किसी तरह का कोई प्रमोशन नहीं दिया जाता। तो कम से कम हम अगर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इनकी जो कुर्बानियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए अब जो जोश के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तिरंगे के लिए फाइट कर रहे हैं, तो इनको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन की इस तरह की कोई पॉलिसी बनाई जाए। थैंक यू सर। आप कुछ कहेंगे सर? मेरा नाम पंकज पुरुथी है, मैं भारतीय स्टेट बैंक में एज ए डिप्टी मैनेजर जॉब करता हूँ और मैं शॉटपुट में मैंने इवेंट में पार्टिसिपेट किया लेकिन आज मैंने व्हीलचेयर क्रिकेट में रेस में मैंने गोल्ड जीता। तो थैंक्स टू द दिल्ली पैरालंपिक एसोसिएशन और मेरे सभी साथी सीआरपीएफ जिनको मैं देखकर इस पार्टिसिपेशन में मैंने पार्टिसिपेट किया। थैंक यू।